दिस न्यूज इज ब्रॉट टू यू बाय रेनबो इंटरनेशनल स्कूल नगरोटा बगवा। शहीदी दिवस पर रेड क्रॉस सोसाइटी ने एसडीएम कार्यालय धर्मशाला में रक्तदान शिविर का आयोजन कर शहीदों को श्रद्धांजलि अर्पित की। वहीं धर्मशाला शहर के युवाओं सहित सरकारी कार्यालय में कार्यरत कर्मचारियों ने रक्तदान किया। रक्तदान शिविर का शुभारंभ डीसी कांगड़ा डॉक्टर निपुण जिंदल ने किया। वहीं एसडीएम धर्मशाला शिल्पी वेक्टा ने भी रक्तदान शिविर में अपनी भूमिका निभाई है। शिल्पी वेक्टा ने कहा कि शहीदी दिवस के उपलक्ष्य पर रक्तदान शिविर का आयोजन इसीलिए किया गया है ताकि लोग ज्यादा से ज्यादा समाज सेवा में अपनी भागीदारी सुनिश्चित करें। उन्होंने कहा कि आने वाले समय में जिला प्रशासन जेल में बनाए जाने वाले उत्पाद व रेड क्रॉस सोसाइटी व अन्य संस्थाओं के साथ मिलकर लोगों को उनके घर द्वार जाकर उन्हें स्वास्थ्य सुविधाओं का लाभ दिया जाए। रक्तदान महादान ये कांगड़ा सेवियर्स की एक प्रथा रही है और काफ़ी लंबे समय से जो है वो कांगड़ा सेवियर ब्लड डोनेशन में काम कर ही रहा है। लेकिन लकीली एक समय एक ऐसा भी आया कि जिसमें रेड क्रॉस धर्मशाला की स्थापना की गई, जिसके लिए 13 मार्च को जो है वो एसडीएम महोदय के कार्यालय में एक मीटिंग का आयोजन किया गया, जिसमें काफ़ी गणमान्य सदस्यों ने भाग लिया। रोटरी क्लब की तरफ से, कॉलेज की तरफ से या कांगड़ा पुलिस सीवियर की तरफ से भी काफ़ी लोगों ने इसमें जो है वो भाग लिया था। और उस दिन ये फैसला लिया गया था कि डिवीज़न लेवल पर रेड क्रॉस की स्थापना की जाएगी और पहला कार्य जो है वो शहीदी दिवस पर, जैसे कि आज का दिन हमें मिला, तो इसमें रक्तदान का जो है वो आयोजन किया जाएगा। धर्मशाला सब डिवीजन की रेड क्रॉस सोसाइटी हमने फॉर्म की है और आज कांगड़ा सेवियर्स के संयुक्त तत्वाधान में हम यहाँ पे अपने कार्यालय में ब्लड डोनेशन कैंप ऑर्गेनाइज करवा रहे हैं। 23 मार्च शहीदी दिवस को हमने खास तौर पे इस रक्तदान शिविर के लिए चुना था ताकि हमारे लोग और जुड़े हमारे साथ और इस शहीदी दिवस पर रक्तदान करके समाज की सेवा में आगे बढ़े। आने वाले समय में रेड क्रॉस सोसाइटी देखिए एक तो हॉस्पिटल एडमिनिस्ट्रेशन की भी मदद करेगी, दूसरा हमारा फोकस जेल में जो हमारे इनमेट्स हैं उन पे रहेगा। उसके अतिरिक्त हम अपना जो शेड्यूल ऑफ इवेंट्स बना रहे हैं उसमें अलग अलग संस्थाओं के साथ हमने मिलकर यहाँ कार्य करने हैं। जैसे हमारे पास रोटरी वालों की एक स्पेशल व्हीकल है जिसके थ्रू हम लोगों की आई टेस्टिंग करते हैं, तो उनको भी हम उनकी सर्विसेज अपने यहाँ पे यूटिलाइज करेंगे। और हमारा फोकस अब हेडक्वार्टर से हटके पंचायतों में रहेगा। नेक्स्ट जो हमारे कार्यक्रम होंगे उसके लिए हम अपनी पंचायतों को ही चुनेंगे। दिव्य हिमाचल टीवी के लिए धर्मशाला से पवन शर्मा की रिपोर्ट। रेनबो इंटरनेशनल स्कूल गुणवत्तापूर्ण सूचकांक के आधार पर शिक्षा रूपी इंद्रधनुषी रंग बिखेर रहा है। डायरेक्टर रेनबो ग्रुप ऑफ स्कूल डॉक्टर जे आर कश्यप की दूरदर्शिता क्वालिटी एजुकेशन ओवरऑल डेवलपमेंट के आधार पर खरा उतरता है। शिक्षा के साथ साथ ही कई अन्य गतिविधियों और प्रतियोगिताओं का आयोजन करके बच्चों के समग्र विकास पर ध्यान केंद्रित किया जाता है। जर्मन भाषा सीखने के साथ ही छात्रों को क्रिकेट, जिम्नास्टिक्स, टेबल टेनिस, वेट लिफ्टिंग, कराटे, हॉर्स राइडिंग, स्विमिंग जैसे खेलों में विशेष कोचिंग भी दी जाती है। स्कूल को खेलो इंडिया रेजिडेंशियल वेट लिफ्टिंग व टेबल टेनिस अकेडमी से मान्यता प्राप्त है। रेनबो में HPCA ने अपना क्रिकेट सब सेंटर भी खोला है। खेल कूद के अतिरिक्त बच्चों को सोना, आइस बाथ, जकूजी, स्टीम बाथ और फिजियोथेरेपी की सुविधाएं एक ही स्थान पर प्रदान की जाती हैं। 10वीं व 12वीं के 100% परिणाम व छात्रों का विभिन्न सरकारी मेडिकल कॉलेजों और प्रतिष्ठित इंजीनियरिंग कॉलेजों में चयन हुआ है। स्कूल की अटल टिंकरिंग लैब में रोबोटिक्स, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, कोडिंग और पाइथन का प्रशिक्षण दिया जाता है। वो विद्यार्थियों द्वारा बनाए गए प्रोटोटाइप नीति आयोग के टॉप 10 प्रोटोटाइप में से एक हैं। स्कूल को ब्रिटिश काउंसिल द्वारा 3 बार इंटरनेशनल स्कूल अवार्ड से तथा दूसरी बार माइक्रोसॉफ्ट शोकेश अवार्ड के खिताब से नवाजा गया है। स्कूल में अन्वेषिका, फिजिक्स लैब, रेनबो स्काई ऑब्जर्वेटरी स्कूल की एक और विशेषता है। रेनबो इंटरनेशनल स्कूल प्रत्येक बच्चे को 21वीं सदी की विकट परिस्थितियों के लिए निरंतर तैयार करने में सक्षम है।